हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडसइंड बैंक में अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। इंडस डिलाइट नाम का एक सेविंग्स अकाउंट है इंडसइंड बैंक की तरफ से, जिसमें आपको मिलता है 5% का कैशबैक अमेजोन पे। एक मूवी टिकट पे दूसरा मूवी टिकट फ्री मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस मिलता है, 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स और बहुत सारे बेनिफिट्स इस अकाउंट पे आपको मिल जाते हैं। इस अकाउंट को आप घर बैठ के ऑनलाइन अपने आधार और पैन कार्ड के साथ ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस अकाउंट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, इसके बेनिफिट्स, हिडन फी एंड चार्जेस और सारी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इस अकाउंट को ओपन करने का लिंक मैंने दिया है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस अकाउंट की खास बात ये है कि ये जीरो बैलेंस पे आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें मंथली आपको कोई एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा बैंक है, तो अच्छी फैसिलिटीज़ इस बैंक के साथ आपको मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसी से आप अपना पसंद का अकाउंट नंबर एज सेम टू योर मोबाइल नंबर ले सकते हैं। इंडस डिलाइट सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको जो है इंडसइंड बैंक का प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके साथ बेनिफिट्स की भरमार आपको मिल जाएगी। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि इस डेबिट कार्ड से जब आप बुक माई शो पे एक मूवी टिकट परचेस करते हैं तो उस पे जो दूसरा मूवी टिकट होगा वो फ्री होगा। एक साल में आप 3,000 रुपये तक के फ्री मूवी टिकट्स इस डेबिट कार्ड से ले सकते हैं। जो मूवी टिकट का वैल्यू होगा वो 250 रुपये मैक्सिमम होगा, यानी कि एक महीने में 250 रुपये का एक टिकट आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम एक साल में आप 12 मूवी टिकट्स फ्री इस डेबिट कार्ड के साथ ले पाएंगे। इस डेबिट कार्ड से जब आप कुछ भी परचेस करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उस पर आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स तक आप इस पर अर्न कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी 3,00,000 रुपये तक का कवर है इस कार्ड के साथ। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसमें 30,00,000 रुपीज़ तक का कवर है। इसी के साथ 2,00,000 रुपये तक का जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो भी इसमें कवर है। और 50,000 रुपये का परचेस प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपके डेबिट कार्ड से कोई फ्रॉड परचेस किया जाता है तो 50,000 रुपये तक का कवर आपको इसमें मिलेगा। तो एक अच्छा इंश्योरेंस कवर इस डेबिट कार्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को मिल जाता है। जो प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखने में कार्ड अच्छा लगता है, साथ में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी इस कार्ड से कर सकते हैं। अगर इसके डेली स्पेंड और विड्रॉल लिमिट के बारे में मैं आपको बताऊं तो डेली लिमिट इसका यह है कि आप एक दिन में 1,25,000 रुपये इस डेबिट कार्ड से विड्रॉ कर पाएंगे। और पॉइंट ऑफ सेल का, यानी कि आप इस कार्ड से एक दिन में 2,00,000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं। अगर इस डेबिट कार्ड से आप 31 दिसंबर 2021 से पहले अमेज़ॉन पे स्पेंड करते हैं तो आपको उस पर 5% का कैशबैक मिलेगा। मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है आपका 1,000 रुपीज़ का होना चाहिए, और मैक्सिमम एक महीने में आप इस डेबिट कार्ड से 500 रुपीज़ तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। ये जो प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड है, जो कि आपको इंडस डिलाइट जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है जो मिलता है, इस पर आपको 15% तक का जो डाइनिंग डिलाइट है उस पर भी डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डेबिट कार्ड है ये पावर पैक्ड है जो बेनिफिट्स के साथ, तो इस पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और आपको सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना होगा जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है। इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, आपके पैन कार्ड का एक फिजिकल कॉपी होना चाहिए, और आपके पास एक मोबाइल या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें कैमरा का फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि आपको KYC करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ जाए और आप उसको पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपके मन का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस अकाउंट से रिलेटेड जो फी और चार्जेस है और जो हिडन फी और चार्जेस है उनके बारे में बात कर ली जाए। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस का करने के लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो ये है कि जब आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो इसमें आपको इनिशियल 10,000 रुपीज़ का फंडिंग करना पड़ेगा। वंस, सिर्फ एक बार 10,000 रुपीज़ इसमें आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आप उसको फिर निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो ये आपका अकाउंट है ये लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा, यानी कि जीरो बैलेंस हो जाएगा, आपको कोई बैलेंस मंथली मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ एक बार आपको इनिशियल फंडिंग करना होगा 10,000 रुपीज़ का। और इसी के साथ जो प्लेटिनम प्लस डेबिट कार्ड है उसका जो फी है वो 1,000 रुपीज़ है प्लस 18% का GST। इतना करने के बाद इंडसइंड बैंक में आपका जीरो बैलेंस का एक अकाउंट हो जाएगा जिसको आप सीमलेसली यूज़ कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड से जब आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जो इंडसइंड बैंक का एटीएम होगा तो वो सारे फ्री होंगे, चाहे आप कितने भी ट्रांजैक्शंस कीजिए, चाहे वो विड्रॉल है चाहे वो डिपॉजिट है, सब का सब इस डेबिट कार्ड के साथ आपको फ्री मिलने वाला है। और अगर अदर एटीएम्स में आप इस डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होंगे वो 5 फ्री मिलेंगे, उसके बाद 10 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन होगा। और विड्रॉल चार्जेस की अगर बात की जाए अदर एटीएम्स में, अगर इस डेबिट कार्ड से आप करते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में 3 जो ट्रांजैक्शंस है वो फ्री होंगे और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 ट्रांजैक्शंस फ्री होंगे, उसके बाद पर ट्रांजैक्शंस आपको 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इस अकाउंट से चाहे आप IMPS कीजिए, NEFT कीजिए या फिर RTGS कीजिए, चाहे ब्रांच के थ्रू कीजिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से कीजिए, सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर चेकबुक के बारे में बात की जाए तो इस अकाउंट पे आपको एक क्वार्टर में 2 चेकबुक्स फ्री मिलते हैं। हर चेकबुक में 30 लीव्स होंगे तो यानी कि आपको एक क्वार्टर में 60 फ्री लीव्स के चेक्स मिल सकते हैं। और इस लिमिट को अगर आप एग्जॉस्ट कर देते हैं तो 3 रुपीज़ 50 पैसा पर लीव आपको पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कैश विड्रॉल के बारे में। अगर आपका इंडस डिलाइट अकाउंट है तो आप इंडिया में किसी भी ब्रांच से जाके विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। तो इन कुछ बेनिफिट्स के साथ इंडस डिलाइट का ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आता है, जिसमें आप जब इसको ओपन कर लेते हैं तो KYC जो है या तो आप अपने घर बैठ के वीडियो कॉल से कर सकते हैं या फिर ब्रांच भी जाके विजिट करके अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल सकता है, प्री अप्रूव्ड ऑफर भी मिल सकता है। और अगर आप सैलरी के अगेंस्ट अगर अप्लाई करना चाहते हैं या अदर किसी और मेथड से अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडस डिलाइट का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इस पे आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। इस अकाउंट्स के ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। आपको एक इनिशियल फंडिंग सिर्फ 10,000 रुपये का करना है, उसके बाद कोई फंडिंग नहीं करना है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और ये हमेशा के लिए फिर जीरो बैलेंस हो जाएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको KYC अपना कंप्लीट कराना होगा, अदरवाइज 1 साल के बाद ये अकाउंट जो है आपका बंद हो जाएगा। मुझे पर्सनली अकाउंट बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि कैसे अप्लाई करना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको अप्लाई करने का वीडियो भी, जो लाइव प्रोसेस है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल के अदर वीडियोज को भी जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।